हेलो गाइस, आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 7 दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 15 दिया गया है। तो आपको ये जो टू प्रूफ वाली लाइन है, यानी कि ये क्या लिखा गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 28, ये आपको प्रूफ करना है। किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे ये आप देखेंगे इस वीडियो में, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, ये कुछ नया नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का जो आइडेंटिटी होता है इसके आगे, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ए ब्रैकेट में, है ना, और इसको बिग ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और माइनस, ये एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। अब आपको इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया है, लेकिन कहीं आपको इसकी वैल्यू नहीं दिख रही होगी, इसी की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में निकालनी है। अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ये तो गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 7, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू 49। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों जो है इनको आप यहीं पे रखिए, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 49। अब ये इसको यहां पे सेम रखिए, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab bc और ac का वैल्यू आपको 15 ऑलरेडी दिया गया है इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 49। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 तो था ही, ये इधर प्लस था, उधर जाकर के क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि माइनस करने के बाद से आंसर आएगा 19। अब क्या करेंगे इसको, ये तो हमको अब मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो हम लिख देंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो लिख दिए कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है। अब क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी भाई, 7 थी, ये दिया गया था यहां पर, फिर आप ब्रैकेट लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 19, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या थी 15, ये 15 लिख दीजिए, ठीक। और LHS में क्या था, LHS में ऑलरेडी था, सॉरी यहां पे आप देखिए, या फिर इक्वेशन 1 से भी देख सकते हैं, LHS में क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 और 19 में से 15 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 7 4 जा 28, यही प्रूव करना था, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।